हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन ऑफ मैंगो मैंगो फ्रूट से रिलेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, इंट्रोडक्शन देख लें अगर हम इसका सो द मैंगो हुज हुनिकल नेम इज मैंगी फेरा इंडिका इज़ द लीडिंग फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड कंसिडर टू बी द किंग ऑफ़ फ्रूट्स मैंगो को किंग ऑफ़ फ्रूट के नाम से जाना जाता है बिसाइड्स डिलीशियस टेस्ट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एक्सेलेंट फ्लेवर होता है अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ये और उसी पैटर्न में ये विटामिन ए और सी में भी बहुत रिच होता है द ट्री इज़ हार्ड इन नेचर इसका ट्री जो होता है वो हार्ड होता है नेचर कैन बी ग्रो इन अ वाइटी ऑफ सॉयल एंड रिक्वायर्स कम्परेटिवली लो मैंटेनेंस कॉस्ट लो मेंटेनेंस कॉस्ट में भी ये ग्रो किया जा सकता है मैंगो फ्रूट्स आर यूटिलाइज एट ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट बोथ इन इट्स इमेच्योर एंड मेच्योर स्टेट इम मेच्योर और मेच्योर स्टेट दोनों में ही कंज्यूम किया जा सकता है मीन्स देन रॉ फ्रूट्स आर यूज फॉर मेकिंग चटनी जो इसका रॉ फ्रूट होता है वो चटनी पिकल्स अचार बनाने में और जूसेस बनाने में हेल्पफुल होता है then जो इसके पके हुए फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमारे प्रिपेरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक स्क्वैश जो स्क्वेस बनते हैं वो सीरप्स जो होते हैं जैम्स होते हैं जलिस होते हैं उनमें इसका यूज होता है इनके ड्राई फ्रूट्स का द मैंगो कर्नल कंटेंस अबाउट एट टू टेन परसेंट गुड क्वालिटी फ़ैट जो मैंगो का कर्नल होता है मीन सीड होता है उसमें एट टू टेन परसेंट गुड क्वालिटी फ़ैट होता है विच कैन बी यूज फॉर सोप एंड ऑल्सो एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कोकोवा जो कि हम कोकोवा uh, का सब्सटिट्यूट के रूप में भी से यूज़ कर सकते हैं देन स्कोप फॉर मैंगो कल्टिवेशन एंड इट्स नेशनल इंपॉर्टेंस इस्कोप की बात कर लें मैंगो कल्टिवेशन की के कि मैंगो कल्टीवेशन का क्या स्कोप है और इसका नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है सो मैंगो ऑक्यूपाइज अबाउट थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल एरिया अंडर फ्रूट्स मैंगो जो है वो थर्टी सिक्स परसेंट टोटल एरिया कवर करता है फ्रूट uh, कल्टिवेशन के अंडर एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ टू थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड एवन क्रमप्राइजिंग ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन सेवन लैक हेक्टेयर विदोटल प्रोडक्शन ऑफ वन फिफ्टी वन पॉइंट एट एट लैख टन उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश आर हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंगो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगो कल्टिवेशन एरिया है जो कि रेंज uh, करता है अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ़ द टोटल एरिया फॉलोड बाई कर्नाटका बिहार गुजरात एंड तमिलनाडु ये कुछ लीडिंग स्टेट्स हैं मैंगो प्रोडक्शन के मामले में दैन फ्रेश मैंगोज एंड मैंगो पल्प आर द इम्पॉटेंट आइटम्स ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया फ्रेश मैंगोज और मैंगो पल्प जो होता है वो कुछ हमारे कॉमन एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट हैं इंडिया से दैन इंडिया मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर मैंगो आर यू ए इंडिया का मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यू है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बांग्लादेश है यू है यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरेबिया नेपाल कुवैत यू एस एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मैंगो का

फिफ्टीन परसेंट का शेयर है अराउंड फिफ्टीन परसेंट शेयर है मैंगो अकाउंट्स फॉर फोर्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल फूड एक्सपोर्ट फ्राम द कंट्री जो भी हमारे कंट्री uh, से फ्रूट का एक्सपोर्ट होता है उसमें से फोर्टी परसेंट टोटल फ्रूड का एक्सपोर्ट तो लगभग हमारे मैंगो का होता है देन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैंगो कल्टीवेशन वाट आज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैंगो कल्टीवेशन सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो मैंगो कल्टिवेशन की है वो है फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट क्लाइमेट से कैसे रिलेट करता है सो मैंगो कैन बी ग्रोन अंडर बोथ ट्रॉपिकल और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में कल्टिवेट किया जा सकता है फ्रॉम द सी लेवल टू सी लेवल टू फोर्टीन हंड्रेड मीटर एल्टीट्यूड प्रोवाइडेड देयर इज नो हाईली ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा नमी की जरूरत मैंगो कल्टिवेशन के लिए हमें ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा रेन और फ्रॉस्ट की भी नहीं होती बट रेन और फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड्स इसमें रेन और फ्रॉस्ट की थोड़ी सी नीड होती है

दैन वैराटीज़ की बात करें कि वेरायटीज़ किस किस टाइप कितनी हैं और कौन कौन सी वरायटीज़ हमारी कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं सो वो देखते हैं सो दो देर आर नियरली थाउज़ेंड वैराटीज़ ऑफ मैंगो इन इंडिया इंडिया में ही थाउजेंड वैराटीज़ लगभग थाउजेंड वैराटीज़ हैं मैंगो में ऑनली फॉलोइंग वैराटीज़ आर ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट बट सारी थाउजेंड वैराइटीज़ नहीं ग्रो की जाती हैं जिसमें से कुछ जो सेलेक्टेड हमारी वेराइटीज़ हैं जैसे अल्फॉन्सो है बैंगलोरा है बंगान पान पल्ली है बम्बई है बॉम्बे ग्रीन है दशहरी है फजली है फिर है हिमसागर है केसर है किशन भोग और ये जो भी लिस्टेड हमारी ये वैराइटीज़ हैं इनका सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है रिसेंटली सम मैंगो हाइब्रिड्स हैव रिलीज्ड फॉर कल्टिवेशन बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ कुछ और भी हमारी अभी रिसेंटली मैंगो हाइब्रिड्स रिलीज़ की गई हैं वेरियस इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटीज़ से जिनका ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन नीचे हम देखते हैं सो so, मल्लिका एक वैरायटी है मल सो uh, so मल्लिका वैरायटी किसका क्रॉस है सो इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन नीलम एंड दशहरी ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है फ्रूट्स आर मीडियम साइज इसके फ्रूट्स जो हैं वो मीडियम साइज़ होते हैं कैडमियम कलर होता है कैडमियम कलर का होता है विद गुड क्वालिटी रिपोर्टेड टू बी रेगुलर बेयर ये गुड क्वालिटी होते हैं और इनका प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पर होता है मल्लिका वेराटी जो है देन नेक्स्ट इज़ आम्रपाली आम्रपाली इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम ये दशहरी और नीलम के बीच का क्रॉस है दैन इट इज़ अ डॉर्फ विगरेस टाइप विथ रेगुलर एंड लेट बियरिंग वेराइटी ये हमारी डॉर्फ है थोड़ा ये हमारी छोटी वेराइटी है और ये थोड़ा हमारा लेट बियरिंग वेराइटी होती है देन इट येस्ड ऑन एंड एवरेज ये इसका येल्ड जो इसका प्रोडक्शन है वो सिक्सटीन टन पर हैक्टेयर से है एंड अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड प्लान्स कैन भी एकोमेडेटेड इन वन हेक्टेर एक हेक्टेयर में लगभग सिक्सटीन हंड्रेड प्लांट्स हम कल्टिवेट कर सकते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं देन मंजीरा जो हमारी अगली वैरायटी है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन रोमानी एंड नीलम ये रोमानी और नीलम के बीच के क्रॉस है इट इज़ अ सेमी सेम टाइप विद अ रेगुलर बियरिंग हैबिट ये रेगुलर बियरिंग हैबिट होते हैं इसमें ये नहीं होता कि सीजनल एक सीज़न में आया एक महीने आया ये रेगुलर बियरिंग होता है फ्रूट्स आर मीडियम साइज इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो मीडियम साइज़ होते हैं लाइट येलो कलर्ड स्किन होती है उसकी फर्म होते हैं फाइबरलेस होते हैं फ्लश एंड स्वीट टू टेस्ट देन अगली वैरायटी हमारी रत्ना है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन नीलम एंड अल्फोंसो रत्ना जो वैरायटी वो हमारी नीलम और अल्फोंसो के बीच का क्रॉस है इट इज़ अ रेगुलर बियरर ये भी रेगुलर बियरर है और फ्री फ्रॉम स्पेंजिट यूज फ्रूट्स आर मीडियम साइज विथ एक्सीलेंट क्वालिटी फ्रूट इसके मीडियम साइज होते हैं और क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट होती है देन नेक्स्ट इज अरका अरुणा इट इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन बंगान बंगाना पल्ली एंड अल्फोंसो ये बंगाना पल्ली और अल्फानसो के क्रॉस है उसका हाइब्रिड है विथ रेगुलर बियरिंग हैबिट एंड डॉर्फ इन स्टेचर इसकी रेगुलर बियरिंग हैबिट होती है ये रेगुलर बियरिंग होता है और इसके डॉर्फ ये थोड़ा सा छोटा होता है स्ट्रक्चर में अबाउट फोर हंड्रेड प्लांट्स कैन बी अकोमोडेटेड पर है परेयर फोर हंड्रेड प्लांट्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं फ्रूट्स आर लार्ज साइज फ्रूट जो इसके है तो है होते हैं ये लार्ज साइज होते हैं लगभग फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड ग्राम विध अट्रैक्टिव स्किन कलर अट्रैक्टिव स्किन कलर होता है इसका दिन पल्प इस फाइबरलेस पल्प इसका फाइबरलेस होते है रिश्तेदार नहीं होते हैं स्वीट टू टेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिग्री ब्रेक्स होते हैं पल्प परसेंटेज इसवेंटी थ्री एंड फ्रूट्स आर फ्री फ्रॉम फॉर्म नेक्स्ट बात करें इसके प्रोपोगेशन की तो फार्मर शुड ऑलवेज गेट वेजिटेटिवली शुडिटेटिवली टू टाइप प्लांट्स फ्रॉम रिकगनाइज नेसेसरी इन आर्किंग वनीर ग्राफ्टिंग साइड ग्राफ्टिंग ये कुछ इसके मैथड ने कैसे इसे प्रमोगेट किया जा सकते हैं देन प्लांटिंग की बात करें तो लैंड शुड भी प्रिपेयर बाई डीप्लोइंग लैंड को डी प्लो करेंगे हम फॉलोड बाई हैरोइंग करेंगे लेबलिंग करेंगे विद अ जेंटल स्लोप गुड ड्रेनेज उसमें होना चाहिए स्पेसिंग वेरीज फ्राम टेन मीटर इंटू टेन मीटर रो टू रो इंटू प्लान टू प्लान टेन इंटू टेन की स्पेसिंग होनी चाहिए इन ड्राई जोन विद्रज लेस जहाँ पर ड्राई जोन हो वहाँ पर जहाँ पर इसकी ग्रोथ कम हो वहाँ टेन इंटू टेन की स्पेसिंग होनी चाहिए और जहाँ हैवी रेनफॉल हो वहाँ ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व की होनी चाहिए देन जो न्यू डॉर्फ वेराइटीज़ है लाइक आम्रपाली कैन बी प्लांटेड एट क्लोजर स्पेसिंग जो आम्रपाली जो हमारी न्यू डॉर्फ हाइब्रिड्स हैं उसको हम उसकी स्पेसिंग हम कम कर सकते हैं लाइक फाइव इंटू फाइव मीटर पर हम उसकी स्पेसिंग कर सकते हैं पिट्स आर फिल्ड विद ओरिजिनल सॉयल मिक्सड विद ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के जी वेल डॉट एन एफ आई एम मीन फील्ड फार्म मेन्यर दैन टू पॉइंट फाइव के जी सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड वन के जी ही इसका पूरा फर्टिलाइजर डोजे से कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे उसमें देन वन ईयर ओल्ड हेल्थी इस्टेट ग्रोइंग ग्राफ्ट फ्राम रिलायबल सोर्स कैन भी प्लांटेड एट देंटर ऑफ द पिट्स जो भी हमारे ग्राफ्ट वन ईयर से ज़्यादा हो जाए उनको हम पिट्स में ग्रो कर देंगे अलॉन्ग विद ऑफ द अर्थ इन एक्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन इन सच वीड एट द रूट आर नॉट एक्सटेंडेड एन ग्राफ्ट इस अबो द ग्राउंड लेवल प्लान्ट शुड बी इरीगेटेड इमिडियटली आफ्टर प्लान इन द इनिशियल वन और टू ईयर्स प्लांट इरीगेट के होने चाहिए इरीगेटली प्रॉपर होने चाहिए प्लांटिंग के बाद और इनिशियल जो वन और टू ईयर्स होते हैं उसमें जो है हमारा हल्की से शेड उसको रिक्वायर्ड होती प्लान्स को हमको शेड देना चाहिए टू द यंग प्लान्ट एंड ऑल्सो स्टे टू और उसे इस्ट्रेट किसी लकड़ी के उससे उसे हमको इस्ट्रेट वो प्लांट रखना चाहिए देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की बात कर लें तो अबाउट वन मीटर फ्रॉम द बेस ऑन द मेन ट्रंक शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ब्रांचिंग एंड द मेन स्टेम कैन बी अलाउड देयर आफ्टर स्पेस्ड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अपार्ट इन सच वे सो ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का है कि स्टार्टिंग में हमें उसे कैसे ट्रेन करना चाहिए प्रून करना चाहिए कैसे कटाई छटाई उसकी हमें करनी चाहिए वो ये मैथड है दैन देन फर्टिलाइज़र अप्लिकेशन कैसे करना चाहिए फ़र्टिलाइजर कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें तो इन जनरल 170 ग्राम यूरिया और 110 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मीन्स एस एस पी एंड वन हंड्रेड फिफ्टीन ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मीन्स एम ओ पी पर प्लान्ट ईयर हमें देना चाहिए ऑफ द एज फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ ईयर पहले से फर्स्ट ईयर से लेकर टेंथ ईयर तक हमें अबाउट uh, डोज ये जो रिक्वायर्ड डोज है वो हमें उसमें देनी चाहिए उसके बाद हमें वन पॉइंट सेवन के जी रेशियो वन पॉइंट वन के जी रेशियो वन पॉइंट वन फाइव के जी रिस्पेक्टिवली फर्टिलाइजर उसमें पर ईयर अप्लाई करना चाहिए पर ईयर प्लांट पर ईयर कैन बी अप्लाइड इन टू इक्वल स्प्लिट डोजेज उसे दो हम डोजेज में अप्लाई कर सकते हैं एक जून जुलाई में और दूसरी हमारी अक्टूबर में फॉलियर स्प्रे हम कर सकते हैं थ्री परसेंट यूरिया इज़ रिकमेंडेड बिफोर फ्लावरिंग फ्लावरिंग के पहले हम थ्री परसेंट यूरिया का फॉलियर स्प्रे कर दें संडी एरियाज में तो वो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन देगा देन इरिगेशन जो हमारी है यंग प्लांट्स आर वाटर फ्रीक्वेंटली फॉर प्रॉपर इन इस्टेबलिशमेंट ग्रोन अप ट्रीज जो भी हमारे ग्रोन अप ट्रीज हैं उन्हें इरीगेशन हम टेन टू फिफ्टीन डेज में हमें देना चाहिए वो जिससे कि बेनिफिशियल होगा वो हमारी यील्ड जो रहेगी जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी उससे हावर इरीगेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टू थ्री मंथ्स प्रायर टू ट्रावलिंग और जो हमारी रिगेशन है वो हमारी दो से तीन महीने फ्लावरिंग के पहले रिकमेंडेड नहीं है हमें नहीं करना चाहिए उसके पहले नहीं देनी चाहिए इरीगेशन नहीं करना चाहिए इट इज़ लाइकली टू प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ सो डैट उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए देन इंटरक्रॉपिंग की उसके बीच में अब इंटरक्रॉपिंग देखते हैं इंटरक्रॉपिंग कैसे इंटरक्रॉप सच एज वेजिटेबल्स अब उसको प्रोडक्शन के साथ साथ मैंगो प्रोडक्शन और कल्टीवेशन के साथ साथ हम इंटर क्रॉपिंग भी उसमें कर सकते हैं फील्ड में सो इंटर क्रॉप सच एस वेजिटेबल्स लेग्यूम्स शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आर फ्रूट्स क्रॉप्स लाइक पपाया गोवा पीच ये सब हम उसमें इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं इनका डिपेंडिंग अपॉन एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो भी हमारे क्लाइमेट है सॉइल है पी एच है उसका रेनफॉल कैसी है वो सब देख करके हम इंटर क्रॉपिंग करेंगे उसमें देन प्लांट प्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट प्रोडक्शन इसमें कौन कौन से डिजीजेज़ और इंसेक्ट्स जो आते हैं उसका कंट्रोल क्या क्या है वो अगर हम देखें तो इसमें मैंगो इज़ प्रोन टू डेमेज बाई ए लार्ज नंबर ऑफ़ पेस्ट मैंगो में कई सारे पेस्ट लगते हैं डिजीजेज होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं और जिनका कंट्रोल मेजर सभी हम नीचे देखेंगे सो मैंगो हॉपर सबसे पहले इसमें पेस्ट है सो so, इसका मैंगो हॉपर में मैंगो हॉपर के कंट्रोल के लिए हम टू स्प्रे करेंगे पैनिकल इमरजेंसी एंड एट अ पी साइज ऑफ फ्रूट जो पेनिकल मीन्स जो हमारा सबसे पहले जो फ्लावरिंग का स्टेज होगा जो उसमें हल्का सा वो दाने टाइप का है हो, होगा उस स्टेज पे और जो पी साइज फ्रूट मीन्स जो मटर के दाने के साइज का जब फ्रूट हो तब हमें स्प्रे करना चाहिए कार्बरील कार्बरील जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट एंड मोनोक्रोटोफोस ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंटेज और फॉस्मामिडीन जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंटेज का हमें स्प्रे करना चाहिए देन मियाली बाग के कंट्रोल के लिए हमें प्लोइंग करना चाहिए इंटर इन नवंबर एंड डस्टिंग ऑफ टू परसेंट मेथाइल पैराथियोन एट द रेट ऑफ टू हंड्रेड ग्राम पर ट्री नियर द ट्रंक दंक फिक्सिंग ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर वाइड फोर हंड्रेड गॉज पॉलीथिन स्टेप्स इसे हमें इसे कंट्रोल के लिए हमें इसके इंटरपेसेस जो रहते हैं इंटरस्पेस उसमें नवंबर में डस्टिंग कर देनी चाहिए टू परसेंट मेथल पैराथीन की टू हंड्रेड ग्राम पर ट्री के अकॉर्डिंग इसमें कर देना चाहिए हमें दैन ग्री सप्लाइड द लोअर एज इन द जनवरी एंड प्रोफाइलेटिक मेजर्स एंड टू स्प्रेस ऑफ मोनोक्रोटोफॉस ये हम लोग पढ़ लेंगे आप लोग पढ़ लेंगे इसमें कैसे इसका कंट्रोल है दैन पाउडर मिल्ट पाउडर मिल्ट की कंट्रोल के लिए हमें टू से थ्री इस प्रेस करना चाहिए वेटेबल सरफर का एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू परसेंटेज और कैराथीन का जीरो पॉइंट वन परसेंट एट द एट द इंटरवल ऑफ टेन टू फिफ्टीन डेज एंथरेगनोज एंथरेगनोज के लिए हमें क्या इसके कंट्रोल के लिए करना चाहिए सो एंथरेगनोज so, जो हमारी है उसके लिए हमें और टू स्प्रेस करना चाहिए बेविस्टीन का ज़ीरो पॉइंट वन परसेंट का एट फोर्टनाइट नाइट इंटरवल देन मेल फॉर्मेशन वन स्प्रे ऑफ टू हंड्रेड पी पी एम नेटिक अक्टूबर फॉलोड बाई डी ब्लॉसमिंग एट बर्ड बस्ट स्टेज इन दिसंबर जनवरी दिन फ्रूट ड्रॉप के लिए हमें क्या करना चाहिए सो रेगुलर इरीगेशन इसका करना चाहिए ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में हमें ऐसे कही रेगुलर हमें इरीगेशन करना चाहिए टाइमली एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट टाइमली और इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट जो पेस्ट मेजर्स हैं वो हमें टाइमली करने करते रहना चाहिए एंड स्प्रेग ऑफ ट्वेंटी पी पी एम नेफ्तलिन एस्टिक एसिड एट पी साइज ऑफ फ्रूट जब मटर के दाने का साइज हो फ्रूट का तो हमें उसमें स्प्रे करना चाहिए ट्वेंटी पी पी एम के अकॉर्डिंग नेफ्तलिन एस्टिक एसिड हार्वेस्टिंग और यील्ड अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग इसका ग्राफ्ट प्लांट्स जो होते हैं वो बियरिंग एट द एज ऑफ थ्री टू फोर ईयर्स जो ग्राफ्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट होता है वो थ्री टू फोर ईयर में ही होने लगता है सो so लगभग वो एवं पर प्लान टेन टू ट्वेंटी फ्रूट्स देते हैं टू गिव ऑप्टिकम क्रॉप फ्राम टेन टू फिफ्टी ईयर में वो विच टू इंक्रीज अप टू द एज ऑफ वो थर्ड टू फोर्थ ईयर से हमारे बियर करने लगते हैं फ्रूट जो कि टेन टू फिफ्टीन ईयर में कंटिन्यू करते हैं जो उसका इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ करता रहता है और लगभग फोर्टी इयर्स तक उनका गुड मैनेजमेंट में उनको रखा जा सकता है इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है शेल्फ़ लाइफ ऑफ मैंगोज बीइंग शॉर्ट टू टू थ्री वीक्स जो हमारी शेल्फ लाइफ होती है मैंगो की वो बहुत शॉर्ट होती है वो टू टू थ्री वीक्स ही जनरली मानी जाती है दे आर कोल्ड एज सोन एज पॉसिबल टू स्टोरेज टेम्परेचर स्टोरेज टेम्परेचर उनका वन थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको रखना चाहिए अगर हमें उनको ज़्यादा करना है और कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो और कम टम्परेचर लाइक टेन डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उनको उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है देन स्टेप्स इन पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ग्रेडिंग वॉशिंग ड्राइंग ये अलग अलग ये पूरे प्रोसेस हैं इसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज की कैसे उसको हम पोस्ट मैनेजमेंट जो है पोस्ट हार्वेस्ट उसको कैसे मैनेज करेंगे कैसा उसका पूरा मैनेजमेंट होगा सो वही यहाँ पर पूरा मैंशन है आप लोग इसको पढ़ लेंगे सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो हमने इसमें देखा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू मैंगो कल्टिवेशन से सो so, अगर वीडियो पसंद हो आई आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए थैंक यू